चैनल मल्टीएम स्क्वायर। तो आज तो सेकंड डे है, कल का रेस्पॉन्स मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबको ये वाला अच्छा लगा। तो आज सीखेंगे ऐसे परफेक्ट और इजी वे में फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो कुछ जन का होता है कि वो फाउंडेशन लगा देते हैं पर अपने स्किन टोन से वो मैच नहीं कर पाते हैं, मतलब कि वो फाउंडेशन लगा देंगे कुछ देर के बाद वो काले पड़ जाते हैं, डार्क हो जाता है उनका स्किन टोन, वो लगता है कि उन लोगों ने कुछ लगाया है मुंह पे, या फिर अपने शेड से पूरा लाइट चॉइस कर लेते हैं कि वो भी लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कुछ फाउंडेशन लगा दिया जो कि अच्छा नहीं दिखता। सिंपल सी बात है कि रियलिस्टिक नहीं दिखता। तो वही आज मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप परफेक्टली आप अपने स्किन टोन के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं कि कैसे आपको अपना फाउंडेशन चूज करना है, कैसे ठीक शेड आप चूज कर सकते हो, और सेकंड है आप अप्लाई करने का भी तरीका होता है वो कैसे करना है, देन उसे सेट कैसे करेंगे हम, वो जैसे पिघले नहीं, जब पसीना निकलता है वो पिघल जाता है, वो पिघले कैसे नहीं, तो ये सब स्टेप मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो नो फर्दर लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने बेस को परफेक्ट करेंगे। तो फाउंडेशन लगाने से पहले हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, क्योंकि ना फाउंडेशन जो भी हो एक कॉस्मेटिक है, वो एक केमिकली प्रोडक्ट है, तो उससे पहले अपने फेस को प्राइम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अपने फेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप इसलिए मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो मैं इधर ममज अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, जो कि ये तो मैं पहले रिव्यू कर चुकी हूँ कैसा लगता है मुझे, तो ये वाला तो वन ऑफ माय फेवरेट है अभी, तो मैं वही अब लगाऊंगी। तो अब ऐसे अपने सारे फेस में ना। तो और एक मैं इधर आपको टिप्स देना चाहती हूँ, आप जब भी मॉइस्चराइजर लगाए ना तो उसे पूरा रगड़ रगड़ के ऐसे नहीं लगाना, नहीं तो फ्यूचर में आपके फेस में बहुत सारे रिंकल्स, जल्दी ही रिंकल्स आ जाएंगे फेस में। ऐसे नॉर्मली थोड़ा थोड़ा ऐसे सर्कुलरली इधर ऐसे स्प्रेड करें, नहीं तो ऐसे डैब डैब मोशन में लगाए। ओके, तो इधर मॉइस्चराइज तो मेरा डन है। तो अब सेकेंड स्टेप है प्राइमर। प्राइमर ना आपके फेस को पूरा स्मूथ एंड सफल कर देता है, मतलब कि आपके बेस को, मतलब कि आपके फाउंडेशन को बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करता है आपके फेस पे, और आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसे वो मिनिमाइज करता है, क्योंकि आपके जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो पोर्स के अंदर नहीं जाए। अगर प्राइमर स्किप करोगे ना तो आपका शॉर्ट शॉर्ट आपका पिंपल और या फिर दाग धब्बे कुछ तो निकलेगा, दाना निकल ही जाएगा, बिकॉज ये आपके ओपन पोर्स को वो मिनिमाइज करता है, वो बाहर से ढक देता है, कवर कर देता है, ताकि बाहर का जो इसके ऊपर और भी जो हम लेयरिंग करेंगे वो ताकि हमारे फेस के अंदर ना जाए, वो बाहर ही रहे। तो इसीलिए प्राइमर कभी स्किप मत करना, कभी नहीं। तो मैं आज ब्लू हेवन प्राइमर परफेक्ट मेकअप बेस स्टूडियो परफेक्शन लगा रही हूँ। तो और हाँ, ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है। अगर आपका ऑयली स्किन है, आपका सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है स्पेशली टी जोन में, तो भी आपको प्राइमर भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये आपके सीबम को कंट्रोल करता है, ज़्यादा ऑयली नहीं कर देता है आपके फेस को। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जो कि ऐसे थोड़ा सा ही मैं ली हूँ। आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं, बस सिंपल इतना सा ही, बहुत ही थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं लगाना है, ये आप इतना ही लगाओगे ये बहुत ही काफ़ी है, एंड स्पेशली इसे आप अपने टी जोन एरिया में, मीन्स की टी जोन, समझे, ये है आपका टी जोन एरिया, यहाँ पे आपका ऑयल ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो स्पेशली आपके टी जोन एरिया में लगाए। ओके, सो इसे भी आप नॉर्मली ज़्यादा फोर्सफुली दबा दबा के नहीं करना, ये आपका फेस है, नॉर्मल स्मूथली ग्लाइड करो। एंड ऑब्वियसली आप जब प्राइमर आपके फेस में लगाओगे, ये आपके फेस में इतना स्मूथली मक्खन की तरह से फिसल जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, इधर मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं जो लिपस्टिक लगाई वो ऐसे लगा दी, क्योंकि ना खाली फेस मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए फेस में सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई और कुछ नहीं लगाई, और जो भी लगा मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ। तो थर्ड स्टेप है फाउंडेशन। तो फर्स्ट चीज़ है आप अपने फाउंडेशन को चूज़ कैसे करना है। ओके, तो मेरे पास ये एक ही पैलेट में सब तरह के फाउंडेशन है, तो आप देख के ही बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एंड ऑब्वियसली आप शॉप में भी जब जाते होगे खरीदने, शॉप में आजकल तो ऑनलाइन का जरिया चल रहा है,
तो जब भी आप खरीद रहे हो कि आप अपने शेड में कंफ्यूज रहो कि कौन सा शेड मैं खरीदूँ, क्या खरीदूँ, सो इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सारा शेड है, मतलब आप इससे कौन सा चॉइस करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। बाय द वे ये क्राइलन बेस है, ओके। तो अभी यही दिखाती हूँ कि कैसे आप परफेक्टली अपने स्किन टोन के हिसाब से आप फाउंडेशन अपना शेड चॉइस करें। अच्छा, तो मेन बात आप कैसे चूज करोगे, आप चेक कैसे करोगे कि आप कैसे जानोगे, नॉर्मली आप अपने जॉ लाइन और नेक, ओके, यहाँ से ये परफेक्ट प्लेस है आपके स्किन टोन आप चॉइस करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं आपका स्किन टोन क्या है, तो दिस वॉज अ परफेक्ट प्लेस। शॉप में जाओ या फिर ऑनलाइन, मैं रेकमेंड करूँगी आप पहले शॉप में जाके खरीदो, तभी आप देख लेना कि आप ऐसे चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका स्किन टोन क्या है। तो इसलिए पहले आप शॉप में खरीद लो, जब आप जान पाओगे आपका परफेक्ट शेड तब जाके आप खरीदना ऑनलाइन, तो वो आपके लिए परफेक्ट होगा। तो मैं पहले आपको सारे लगा के दिखाती हूँ, इधर मैं सारे कवर्स निकाल चुकी हूँ। हाँ, ये तो मैं नहीं निकाली बिकॉज ये वाला तो करेक्टर है एंड ये वाला काउंटर शेड है। वैसे ये वाला नेक्स्ट वीडियो होगा, सो डोंट वरी, मैं आपको सारे आपको टिप्स दूंगी। तो बस उसके लिए लाइक कर दो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसलिए कमेंट कर दो, और प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना, जितना जो पाए आप शेयर कर लेना, बिकॉज बहुत जन मेकअप करना चाहते हैं पर परफेक्ट शेड या फिर परफेक्ट मेकअप कर नहीं पाते, तो शायद वो मेरे वीडियो से वो जान पाएंगे कैसे करते हैं परफेक्ट मेकअप। मैं सारे शेड ले लूँ, फर्स्ट मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाला, ओके। अब इधर चेक करना, ओके, मैं इसको ले रही हूँ। तो इधर आप डिफरेंस पूरा अच्छी तरह से जान पा रहे हैं, अगर मैं इसे ब्लेंड भी करूँगी वो और भी लाइट दिखेगा, वो आपके स्किन टोन से मैच ही नहीं कर पाएगा। देख, मैं इधर ब्लेंड कर रही हूँ, ये आपके फेस में मर्ज नहीं होगा अच्छे से, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इधर दो डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, क्योंकि अगर आप इससे अप्लाई करोगे पूरे फेस में वो आपके फेस को थोड़ी देर के बाद काला कर देगा, मतलब काला कर देगा इन द सेंस कि वो आप जब लगाओगे ना वो दूर से देखने लगेगा क्या वो कुछ लगाई है, वो क्या लगा, ये पूरा काला काला दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो नेचुरल नहीं दिखेगा, तो ये वाला नहीं है। देन ये शेड ले रही हूँ, ये वाला भी आप देख रहे हैं, इसे मैं ब्लेंड करूँगी, देख रहे हैं ये आपके फेस में पूरा अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया, जबकि ये नहीं हो रहा है, ये लाइट हो रहा है। तो इस तरह से आप शेड को चॉइस करोगे, तो ये वाला तो मेरा आ गया, मैं आपको और भी करके दिखा रही हूँ, मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, इस तरह का जगह नहीं है तो मैं इस तरह ले रही हूँ, ये वाला आपके फेस में एक डार्कनेस छोड़ा, देख आप देख रहे हैं डार्कनेस छोड़ रहा है, क्योंकि इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये तो आप देख के ही जान जाओगे ये नहीं होगा, लेट मी सी, ये बिल्कुल नहीं होगा, देखना ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी लगा दूँ सारा शेड, तो साफ साफ देख पा रहे ये कौन सा ब्लेंड होगा, तो मैं इधर ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, ये वाला नॉर्मली आपके फेस में ब्लेंड हो जा रहा है, देन ये वाला लिटिल बिट लाइट रह रहा है, ब्लेंड नहीं हो, ये वाला पूरा ही मर्ज हो जाएगा, ओके, जो कि थोड़ी देर के बाद वो अगेन काला कर देगा, ओके। एंड ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं, ये वाला भी नहीं। तो इस तरह आप अपने शेड चॉइस करेंगे, तो मैं इसे मिटा के, तो अब शेड तो चॉइस हो गया, तो अब हम करेंगे अप्लाई।
तो अप्लाई करने का भी तरीका होता है ना, कि हम लेप में उसका भी क्वांटिटी है आप किस तरह से लगाएंगे। तो मेरा शेड ये वाला है, तो मैं इसे डॉट करके ऐसे सारे फेस में ऐसे करके अपने अंडर आई फोरहेड, आप चाहे तो ऐसे ब्रश के हेल्प से, फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से, फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं करके लगा सकते हैं। आपको दो तरीका बता रही हूँ, बट कन्वीनियंट होगा फिंगर वाला ही लगाओ, ये आपको कन्वीनियंट होगा, थोड़ा इजी फॉर्म होगा। ओके तो अब हम ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंड आप ब्यूटी ब्लेंडर से करना, हैंड से भी हो पाएगा बट एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट लाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना। तो उसके लिए पानी लेना और उसमें इसका आप साइज देख लें, अब मैं इसे पानी में डिप करूँगी वो बहुत फूल जाएगा, तो आप ऐसे पानी में डिप करना, अपने आप बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया। तो अब इसमें से एक्सेस वाटर को निकाल देंगे, तो एक्सेस वाटर को रिमूव हो गया। अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे कितना बड़ा होगा, तब का क्लिप इधर लगा रही हूँ तब कितना छोटा दिख रहा था, एंड नाउ इट्स बिगर। तो अब ना ऐसे नॉर्मली आप ऐसे डैप डैप करना, ऐसे घिसना नहीं है, ओके ऐसे ऐसे डैप डैप, अगर ऐसे आप रगड़ोगे तो वो रिमूव ही हो जाएगा, वो जो बेस आप लगाए वो चले ही जाएगा, निकल ही जाएगा, इसमें सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप नॉर्मली ऐसे इस तरह से ब्लेंड करना डैप डैप मोशन में, एंड ऑफ कोर्स नेक एरिया में लगाना। तो ये तो हो गया मेरा बेस, अब बेस को सेट करना है, नहीं तो ये सारा पिघल जाएगा, आपको जब पसीना आएगा तो ये सब पिघल के निकल जाएगा, तो उसे सेट करना पड़ेगा। तो उसे सेट करने के लिए आप ऐसे ट्रांसलूशेंट पाउडर लेना, या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं, तो मैं इधर लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो इधर आपको अपने बेस को सेट करना है, आप इधर नॉर्मली ये पफ से सेट कर सकते हैं, नहीं तो बेटर होगा आप ऐसे फ्लफी ब्रश लेके ऐसे नॉर्मली लूज पाउडर कर लेना, डैप डैप करना, देन नॉर्मली सारे चेहरे में ऐसे फैला देना। ओके इससे आपके बेस सेट हो जाएगा, एक तो पसीना ज़्यादा नहीं आएगा, दूसरी बात ये पिघलेगा नहीं, देन तीसरी बात अगर आप इसके ऊपर आप और भी कुछ लगाओगे जैसे कि कॉन्टर वगैरह ब्लश वगैरह लगाओगे वो इजीली सेट हो पाएगा, नहीं तो अगर आप पाउडर को स्किप करोगे देन वो जो इसके ऊपर और जो लगाओगे वो सब फाउंडेशन में चिपक जाएगा, क्योंकि वो चीज़ भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, वो भी उभर के नहीं दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो एक फ्लॉलेस पिक्चर परफेक्ट नहीं लगेगा, वो पूरा केक ही दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, फटाफटा दिखेगा फेस। सो पाउडर से सेट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके तो सारा तो यहीं पे इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट बात ही आपको बता रही हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबके पास पहुंच पाए। ओके एंड मेरा फाउंडेशन भी सेट हो चुका है एंड आई एम रेडी। ओके तो इधर मैं डन हूँ, फाउंडेशन सेट भी हो चुका है, अब देख सकते हैं ये बिल्कुल आपको केक ही नहीं दिख रहा,
पूरा फ्लॉलेस लग रहा है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जिन लोगों को मेकअप नहीं भी आता होगा उनके पास पहुंच सकता है ये वीडियो, एंड वो लोग मुझसे जान पाएंगे कि या फिर मुझसे सीख पाएंगे कि मेकअप कैसे किया जाता है। सो कल के लिए भी रेडी रहो, कल भी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन है, और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टेक केयर।